कोरोना काल में यह अस्पताल उड़ीसा के लोगों को उन्नत धरण के सर्वस्व सेवा देने के साथ साथ कोरोना महामारी के संक्रमण पर नियंत्रण पाने में खुद अच्छी परिचालन की है। IGH में वीरोलॉजी लैब प्लाज्मा बैंक की स्थापना कर लोगों को कोरोना से मुक्त होने की एक नई राह दिखाई है। सेल इंडिया एवं अस्पताल में नियुक्त सारे मेडिकल टीम के पास सदा कृतज्ञ नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व पर विश्वास एवं श्रद्धा के बदौलत आज सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल प्रतिष्ठित हो चुका है और गरीब कल्याण हेतु आज का इस उत्सव का प्रत्यक्ष साक्षी पूरा राउरकेला शहर के लोग रहे हैं। यह अस्पताल सुंदरगढ़ जिले के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री और उसे उपहार एवं नैतिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। आज विश्व मंगल दिवस अवसर पर खनिज खाद्यान्न से भरपूर सुंदरगढ़ जिला एवं विशेषकर राउरकेला शहर को सबुज सुंदर कर गढ़ने हेतु वृक्षारोपण करने के लिए सेल इंडिया अपने हाथ में कार्यक्रम लेगा, इसका उन्हें पूर्ण विश्वास है। यह लोकार्पण उत्सव समारोह में योगदान देकर उन लोगों को मार्गदर्शित भी किया, इसलिए माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उड़ीसा के लोगों से ढेर सारा धन्यवाद भी दिया गया। भविष्य में यह अस्पताल सारे उड़ीसा के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा, यह विश्वास कायम हुआ है। R9 भारत के लिए स्टेट हेड प्रताप भारती की रिपोर्ट, राउरकेला उड़ीसा। स्वामी जगन्नाथ जी की कृपा पूरे संसार पर बनी रहती है। आज हम आपको ले चलेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरफ, जहां श्री जगन्नाथ मंदिर को 31 किलोग्राम चांदी का दान मिला है। आज एक दाता ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को 31 किलो चांदी दान करी। मंदिर मुख्यालय में मुख्य प्रशासक श्री किशन कुमार गर्ग और उप मुख्य प्रशासक तथा पुरी के कलेक्ट्रेट समर्थ वर्मा की उपस्थिति में महाप्रभु जगन्नाथ जी को यह दान दिया गया। इस चांदी से महालक्ष्मी और भगवती विमला जी के मुकुट और आभूषण बनेंगे। जगन्नाथ मंदिर को यह 31 किलोग्राम चांदी का भेंट चढ़ाया गया। R9 भारत के लिए संवाददात्री ऋतु परना सेठी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। बात करेंगे उड़ीसा राज्य की, जहां मो कॉलेज अभियान को शुरू किए गए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस वेबिनार उत्सव में भुवन कॉलेज शामिल था। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मो स्कूल अभियान के उत्साहपूर्ण सफलता के बाद पिछले कुछ महीने से राज्य सरकार मो कॉलेज अभियान को राज्य में प्रत्येक कॉलेज में शुरू करने की योजना बना रही है, जो कि आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पित किया गया। इसके साथ ही साथ इस अभियान में विदेश बसे पूर्वतन छात्रों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को इस अभियान से सम्मिलित होने के लिए भाषण में कहा गया। वेबिनार पर चला इस उत्सव का लाइव टेलीकास्ट, जिसमें शामिल रहे भुवन के बाजी राउत स्मृति महाविद्यालय। इसमें कॉलेज के छात्र छात्रा, अध्यक्ष अध्यापक, भुवन शहर के बहुविशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हुए। मो कॉलेज अभियान का मूल उद्देश्य की जानकारी के लिए खुशी भी जाहिर करी है। मो कॉलेज अभियान का आज लोकार्पण उत्सव था। पूरे प्रांत में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा उड़ीसा के 30 जिले का 755 कॉलेज को आज लोकार्पित किए। मो कॉलेज अभियान आम गौरव आम सम्मान, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा था। मैं इस संदर्भ में ये बोलना उचित समझता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि उड़ीसा में जो मो कॉलेज अभियान आज शुरुआत हुआ, आकाश दास नायक वो मो कॉलेज परिवार का अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री अरुण साहू जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में ये अभियान हर कॉलेज तक पहुँच जाए और इस अभियान को आगे चलाने के लिए प्रमुख मुद्दा उठाने वाले जो है वो है पुरातन छात्र संसद, जिसको हम इंग्लिश में एलुमिनी एसोसिएशन बोलते हैं, जो अपना अपना कृतित्व को लेके कॉलेज में भविष्य के छात्राओं को जुड़ने के लिए ये एक सबसे अच्छा मुद्दा है। इसीलिए मैं इस अभियान को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभारी भी रहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये अभियान सफल हो जाए और इस कदम को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। R9 भारत के लिए क्षीरोद चंद्र नायक की रिपोर्ट, ढेंकनाल उड़ीसा। भारत की संस्कृति और परंपरा में मठ और आश्रम की बहुत बड़ी भूमिका है। प्राचीन काल में मठ शिक्षा, रक्षा, धर्म एवं मोक्ष के केंद्र थे। अंग्रेजों के शासन के समय में मठ सभी ध्वंस होने के लगे और कुछ अपने मूल उद्देश्य से हटने लगे। जगन्नाथपुरी में विशेषकर सभी संप्रदायों के मठ देखने को मिलते हैं। काल के प्रभाव से बहुत सारे मठ ध्वंसाभिमुख हो चुके हैं। जगन्नाथपुरी के बाली सही में स्थित शंकरानंद मठ इनमें से एक है। वयस्कों का मानना है कि आज शंकराचार्य से पहले यह मठ पुरी में स्थापित हुआ था, फिर गैर कानूनी तरीके से इस मठ का भूमि और विक्रय जबरदखलों की वजह से यह मठ आज संकुचित हो चुका है। इस मठ के अधिष्ठाता देवता भगवान नरसिंह और अन्य कई विग्रह विपदंशकुल अवस्था में अंधेरे घर में रख कर पूजे जा रहे हैं। पहले इस मठ का संपर्क पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर
लोकनाथ मंदिर भुवनेश्वर के श्रीलिंगराज मंदिर एवं ढेंकनाल के श्री कपिलास मंदिर से था, लेकिन अभी यह सब नहीं होने के साथ साथ हजार हजार एकड़ों की भूमि का हिसाब भी नहीं है और न ही इस मठ का कोई महंत है। इस मठ के दो मालिक हैं और वह उड़ीसा देवोत्तर विभाग और श्री मंदिर परिचालन समिति के। देवोत्तर विभाग इस मठ के परिचालन में और श्री मंदिर प्रशासन इस मठ के संपत्ति की देखरेख के दायित्व में है। देवोत्तर विभाग ने 5 सरकारी अधिकारी और 4 बेसरकारी व्यक्तियों को मिलाकर एक ट्रस्ट बनाया। इस मठ का परिचालन के दायित्व उस ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया। परिषद ने यह दावा किया कि इस मठ के पुनरुद्धार का काम राज्य और केंद्र सरकारें उनकी हाथों में लेंगी और केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। परिषद ने भी यह दावा किया, वरिष्ठ साधु संत श्री मंदिर के सेवायतों और बुद्धिजीवियों के संपत्ति वहां मठाधीश की नियुक्ति हो और श्री मंदिर तथा मुक्ति मंडप से पुनः संपर्क स्थापना के लिए गजपति महाराज और श्री मंदिर प्रशासन कदम ले। इसके अलावा उत्कल विद्युत परिषद में और एक तथ्य सम्बलित पत्र महामहिम राष्ट्रपति के उद्देश्य से ओडिशा के राज्यपाल माध्यम से दिया जाएगा। परिषद का एक दल ओडिशा के मुख्यमंत्री, केंद्र इस्पात मंत्री और केंद्रीय संस्कृति मंत्री से मिलकर इस विषय पर उन्हें अवगत भी कराएंगे। देखिए विशेष रिपोर्ट संवाददात्री रितु परना सेट्टी के साथ। R9 भारत के लिए रितु परना सेट्टी की रिपोर्ट, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। बात करेंगे अंगुल की, जहां जिला देकर गई गुजरात 55 जातीय राजपथ जरपड़ा में एक दुर्घटना सुबह 7 बजे हो गई। जरपड़ा बस स्टैंड निकट एक एम्बुलेंस के साथ गैस टैंकर आमने सामने से भिड़ गया, जिसके कारण 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के अनुसार एम्बुलेंस संबलपुर से 2 जन रोगियों को कटक अस्पताल 55 हाईवे पर ले जा रही थी। जरपड़ा बस स्टैंड के निकट विपरीत की तरफ से आते हुए एक टैंकर से जा टकराई, जिसके चलते घटनास्थल पर एम्बुलेंस के ड्राइवर समेत सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। अन्य 3 गंभीर घायलों को जरपड़ा थाने के पुलिस कर्मियों के द्वारा उद्धार कर अंगुल मुख्य चिकित्सालय प्राथमिक चिकित्सा हेतु भर्ती कराया गया। गैस कटर के जरिए एम्बुलेंस को काट कर मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस दोनों गाड़ियों को जब्त कर आगे की खोजबीन जारी कर रही है। मृतकों का परिचय अभी तक नहीं मिल पाया है। गैस टैंकर के ड्राइवर घटनास्थल से फरार होने में कायम रहा। R9 भारत के लिए सौम्या रंजन दास की रिपोर्ट, अंगुल उड़ीसा।